नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1500 VA लोड कैपेसिटी वाले सोलर इन्वर्टर के बारे में। अगर आप 1 किलोवाट तक का लोड चलाने की सोच रहे हैं तो आप 1500 VA लोड कैपेसिटी वाला सोलर इन्वर्टर ही खरीदें, जिसके ऊपर आप लगभग 1200 वोट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन सेफ साइड रखने के लिए हम इसके ऊपर 1 किलोवाट तक का ही लोड चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 4 सोलर इन्वर्टर बताने वाला हूँ, जिसमें से 3 PWM टाइप के होंगे और 1 MPPT टाइप का होगा। और इनमें से जो 3 होंगे वो डबल बैटरी वाले होंगे और 1 होगा वो सिंगल बैटरी वाला होगा। तो जिसका बजट कम है वो सिंगल बैटरी वाला सोलर इन्वर्टर लेकर अपना सेटअप तैयार कर सकता है, क्योंकि डबल बैटरी वाले में जो बैटरी की कॉस्ट है वो डबल हो जाती है। और बैटरी आपको पता है इन्वर्टर से भी महंगी आती है। इन्वर्टर आपको लगभग 10,000 रुपये में मिल जाता है, लेकिन जो बैटरी है वो आपको 10 से 15,000 रुपये तक में मिलती है। तो यहाँ पे आप, अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है, तो आप सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर लेकर भी अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। और इन इन्वर्टर की खास बात ये है कि ये आपका जो लोड है वो मैक्सिमम सोलर पैनल से चलाते हैं। और अगर सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई आपके लोड से ज़्यादा रहती है तो आपका जो लोड है वो सोलर पैनल से चलता है, और एक्स्ट्रा जो पावर होगी उससे आपके बैटरियाँ भी चार्ज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आपके जो ग्रिड की सप्लाई है वो यूज़ नहीं होती है और आपका बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाता है। तो ये जो फीचर है वो आपको सभी इन्वर्टर में मिलता है। दूसरा, ये सभी PWM टाइप के हैं। तीसरा, इनके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में ये जो बेसिक कॉमन चीज़ें हैं वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे में वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर इनके बारे में पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सिंगल बैटरी वाले सोलर इन्वर्टर की, जो कि आपको मिलेगा एप्रो कंपनी के अंदर, और ये PWM टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। और इसके अंदर आपको रियल टाइम क्लॉक जैसा फीचर मिलता है, जिससे कि जो आपका इन्वर्टर है वो मैक्सिमम सोलर को यूज़ करता है और ग्रिड की सप्लाई को कम से कम यूज़ करेगा। और ये आता है 1450 VA लोड कैपेसिटी के साथ में। हालांकि पूरा 1500 VA नहीं है, लेकिन आप 1 किलोवाट तक का लोड फिर भी इसके ऊपर चला सकते हैं। और सिंगल बैटरी का है, इसीलिए हमने इस लिस्ट में इस इन्वर्टर को ऐड किया है। तो यहाँ पे आप एक बैटरी लगाकर भी इसके ऊपर 1 किलोवाट लोड चला सकते हैं। PWM टेक्नोलॉजी का होने के कारण इसकी जो VOC रेंज है वो 23 वोल्ट है, तो आपको सभी जो पैनल हैं वो 12 वोल्ट के ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 800 वोल्ट तक की सोलर पैनल, और इसके अंदर आपको मिलता है 50 एम्पेयर करंट रेटिंग वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो 800 वोल्ट के पैनल है वो आप 200 200 वोल्ट के 4 पैनल को पैरेलल में कनेक्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जिसका बजट कम है वो इस इन्वर्टर को खरीद कर अपना एक बढ़िया सोलर सिस्टम तैयार कर सकता है। ये आपको मिलेगा लगभग 7,000 रुपये में। तो यहाँ पे 7,000 रुपये में आप इन्वर्टर खरीद कर इसके ऊपर 800 वोल्ट के पैनल और 1 बैटरी लगाकर अपना काम बड़े ही आराम से चला सकते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मॉडल है लिव फास्ट कंपनी का 1850 मॉडल, जो कि आपको मिलता है 1500 VA लोड कैपेसिटी के साथ में, और ये 24 वोल्ट का मॉडल है। तो इसके ऊपर आपको 2 बैटरियाँ सीरीज में लगानी पड़ेगी, और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 1600 वोल्ट तक के सोलर पैनल। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाता है जब आपका लोड ज़्यादा चलता है, यानी कि अगर आपने इसके ऊपर मैक्सिमम 1 किलोवाट तक का लोड चलाया है और आपने 1600 वोल्ट के पैनल लगाए हैं, तो कंप्लीट जो आपका लोड है वो सोलर पैनल से ही चलता रहेगा। आपकी ग्रिड की सप्लाई बिल्कुल यूज़ नहीं होगी। और इसके अंदर आपको एक खास फीचर मिलता है पावर सेविंग का, जिससे कि जो आपकी बैटरियाँ हैं वो हमेशा सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारे यहाँ पर रात के समय में हमारी बैटरियाँ जब बिजली से फुल चार्ज हो जाती हैं तो दिन में वो सोलर से चार्ज नहीं होती है। तो इसके लिए आप इस इन्वर्टर का अगर उपयोग करते हैं तो इसमें पावर सेविंग का जो ऑप्शन है वो ऑन कर देंगे, तो आपकी जो बैटरियाँ हैं वो ग्रिड से चार्ज ही नहीं होगी। जब आपका सोलर पैनल से पावर मिलना शुरू होगा तभी आपकी बैटरियाँ चार्ज होगी। तो यहाँ पर इसकी जो सोलर पैनल की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, इसके कारण आप लोड भी सोलर से चला सकते हैं और बैटरियाँ भी सोलर से चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको PWM टेक्नोलॉजी का 50 एम्पेयर करंट रेटिंग वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, और इसकी VOC रेंज है 44 वोल्ट। तो इसके ऊपर आप 24 वोल्ट के पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 12 वोल्ट के पैनल का उपयोग करेंगे तो आपको 2 पैनल को सीरीज में लगाना होगा, और अगर आप 24 वोल्ट वाले पैनल का उपयोग करेंगे तो सभी पैनल आपको पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे।
और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको मिलेगा लगभग 6500 रुपये में। हालांकि जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, आप लोकल मार्केट से खरीदने की कोशिश करें जहाँ से आपको ये सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कंपनियों के इन्वर्टर इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आपको एक कंपनी का इन्वर्टर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो दूसरी कंपनी का आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर मेरी जो रिकमेंडेशन रहती है वो यही रहती है कि लोकल मार्केट से जाकर इन्हें खरीदें। नेक्स्ट मॉडल है यूडीएल कंपनी का हेलिक 1650, जो कि 1500 व्हील लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और ये भी डबल बैटरी का ही इन्वर्टर है। और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 1260 वोट तक के सोलर पैनल। हालांकि जो लिव फर्स्ट कंपनी वाला है उससे कम पैनल इसके ऊपर लगा सक, लेकिन यह आपको ऑनलाइन मिल सकता है, लिव फर्स्ट कंपनी वाला ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो जिसको ऑनलाइन खरीदना है वो यूटीएल कंपनी का हेलिक्स सीरीज का ये इन्वर्टर खरीद सकता है, जिसकी वीओसी रेंज है 45 वोल्ट। तो इसके ऊपर आप 24 वोल्ट के पैनल पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो जिसको ज़्यादा पैनल नहीं लगाने हैं, यानी कि जिसको 1 किलो वोट के पैनल लगाने हैं, 1 किलो वोट तक का लोड चलाना है, तो वो इस इन्वर्टर को खरीद के अपना सेटअप तैयार कर सकता है। लेकिन जिसको ज़्यादा पैनल लगाने हैं उसके लिए लिव फास्ट कंपनी वाला बेटर रहेगा। जिसको सारा लोड ही सोलर से चलाना है वो लिव फास्ट कंपनी वाला खरीद सकते हैं। हेलिक्स सीरीज वाला भी आपको लगभग 7000 रुपये करीब मिल जाता है। और हमारा लास्ट का जो मॉडल है वो है विस्प्रक कंपनी का, और ये एमपीपीटी टाइप का है। हालांकि जो इसकी कॉस्ट है वो हमें इतनी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आपको लगभग 12000 रुपये में मिल जाएगा। और इसके ऊपर भी आप 1500 VA तक का लोड चला सकते हैं, डबल बैटरी का ही ये इन्वर्टर है। और इसके ऊपर आप 1200 वोट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको 50 एम्पियर करंट रेटिंग का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। इसी के साथ इसके अंदर भी आपको मोड सिलेक्शन मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी जो सोलर के बाद में इस्तेमाल होने वाली पावर है उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं ग्रिड या बैटरी को। यानी कि आपका जो लोड है वो सोलर से चल रहा है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पावर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्रिड से लेनी है या बैटरी से लेनी है, वो आप इस इन्वर्टर के अंदर सेट कर सकते हैं। और MPPT होने के कारण इसी में आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि यह सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इन चारों में से आपको जो सा बढ़िया लगता है, जो आपके बजट के अंदर है, वो सोलर इन्वर्टर आप खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।